आईपी यूनिवर्सिटी आईपीयू सेट को कंसीडर कर रहा है या फिर सीयूईटी को कंसीडर कर रहा है। अगर आपके सीयूईटी में बहुत अच्छी परसेंटाइल भी आ गई ना, तब भी आपको आईपी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। आईपी यूनिवर्सिटी थोड़ी ज्यादा महंगी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आईपी यूनिवर्सिटी में एक स्केड्यूल है, एक पूरा स्कूल है, लाइक फर्स्ट पीरियड में ये लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड यही फॉलो होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं कि लाइक डीयू में तो काफी ज्यादा फेस्ट होते हैं, पढ़ाई तो आईपी यूनिवर्सिटी में। कि आईपी यूनिवर्सिटी बेटर है या दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो मेरे पास आप सबके इतने सारे मैसेजेस आए थे कि यू नो, आप वैसे तो बोलते हो कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पे फोकस नहीं करना, आईपी, बीएचयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इन सब पे भी फोकस करो, बट आप इनके बारे में वीडियो नहीं बनाते हो। तो आई थॉट कि ओके, नाउ इट्स हाई टाइम। अभी कुछ दिनों में ही आईपीयू सेट शुरू होने वाला है, आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस, तो मैंने सोचा कि चलो उसके बारे में वीडियो बना देते हैं। क्योंकि दिल्ली के बच्चों के लिए आईपी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इट इज सो बिकॉज 85% रिजर्वेशन होती है दिल्ली कैंडिडेट्स की आईपी यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो हमें मतलब यू नो अंदर से ऐसा होता है कि डीयू मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, बट हमेशा हमें आईपी यूनिवर्सिटी सेकंड ऑप्शन तो रखना ही रखना चाहिए। बिकॉज वी नेवर नो ना कि क्या सा क्राइटेरिया और है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, इस बार हमें सीयूईटी के थ्रू मिलेगा भी एडमिशन या नहीं मिलेगा, एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इज वेल। इस बार लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आईपी यूनिवर्सिटी आईपीयू सेट को कंसीडर कर रहा है या फिर सीयूईटी को कंसीडर कर रहा है। तो बेसिकली ऐसा है, आईपी यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एंट्रेंस को देंगे, विच इज आईपीयू सेट। तो ऑफकोर्स अगर आपने यू नो यू आर थिंकिंग मैंने सीयूईटी में आईपी यूनिवर्सिटी डाल दिया है, बट स्टिल वो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को देंगे जिन्होंने उनका एंट्रेंस फॉर्म भरा है। तो जैसे जब वेकेंट सीट्स आती है ना, तब सीयूईटी वालों को ऑप्शन देंगे। अगर आपके सीयूईटी में बहुत अच्छी परसेंटाइल भी आ गई ना, तब भी आपको आईपी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। वो तब मिलेगा जब ये वाले सारे बंदे जिन्होंने भी आईपीयू सेट दिया था, उन्होंने यू नो लाइक लीव कर दिया या लॉक नहीं किया अपना। तो जो वेकेंट सीट्स आती है एंड में, वो वाली आपको मिलेंगी जाके। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को दे रहे हैं। एक कंफ्यूजन जो हर बच्चे के माइंड में आती है इज दैट कि आईपी यूनिवर्सिटी बेटर है या दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑल्दो हम यू नो बचपन से सुनते आ रहे होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज बेटर यूनिवर्सिटी, इट इज द सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग, बट देयर आर सर्टेन कॉलेजेस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी जो डीयू से भी अच्छे हैं, लाइक काफी अच्छे कॉलेजेस हैं वो। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कहते, मोनोटोनस नहीं हो सकते कि यू नो लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी ही बेस्ट है। अगर कॉलेजेस की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज में काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जो एफिलिएटेड बाय आईपी यूनिवर्सिटी हैं। दूसरा, अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें तो आईपी यूनिवर्सिटी ना काफी ज्यादा सेग्रीगेटेड है। लाइक दिल्ली में उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं कॉलेज, और हरियाणा, यूपी, इन जगहों पे भी है। लाइक जैसे स्कूल नहीं होते जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं स्कूल, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है, देयर इज अ कैंपस, लाइक नॉर्थ कैंपस, सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आसपास ही हैं। एंड देन कम्स दी साउथ कैंपस, सारे साउथ कैंपस के कॉलेजेस आसपास ही हैं, कुछ कुछ सेग्रीगेटेड है, दैट्स डिफरेंट, बट आईपी यूनिवर्सिटी के लाइक ऑलमोस्ट हर कॉलेज सेग्रीगेटेड होता ही होता है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो आईपी यूनिवर्सिटी थोड़ी ज्यादा महंगी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स की फीस एक साल की आईपी यूनिवर्सिटी में है 1,00,000+, वेराज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके 10,000 से 15,000 के बीच में एक साल का बीकॉम ऑनर्स की फीस बैठ जाती है। ऐसा बेसिकली इसलिए है क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट है उधर, वेराज दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट पूरा फंडिंग करती है उधर। तो ऑफकोर्स यू नो प्राइवेट जॉब्स होती है वहां पे, तो उनको फंड देना होता है, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ आ जाता है जो आईपी यूनिवर्सिटी की फीस इंक्रीज होती है। वेराज गवर्नमेंट में यू नो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एसीज वगैरह नहीं होते। आई नो मैनिफेस्टेशन होती है कि लाइक कॉलेज में तो एसी होगा, ये होगा, होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आओ एसी नहीं होता है। चलो अब बात करते हैं कि टाइमिंग वगैरह की। तो बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सॉर्ट ऑफ स्कूल जैसे ही है, लाइक 9 AM से शुरू होंगे या 8:30 AM से शुरू होंगे, एंड देन 2 बजे तक क्लासेस होंगी, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होगा, ऐसे टाइप का ही होता है। बट वेयर एज दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू हैव लिटरली नो आइडिया। एक दिन पहले आपको बताएंगे कि कल क्या क्या क्लासेस है, किस किस टाइम पे है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपकी एक क्लास हो रही है 8:30 से 9:30, दूसरी क्लास हो रही है 4:30 से 5:30, एंड लाइक इतना डिफरेंस है, बीच में जो करना है करो, घर जाना है घर जाओ, कॉलेज में बैठना है कॉलेज में बैठो, लाइब्रेरी जाना है घूमने जाना है, लाइक कुछ फिक्स नहीं होता है। आईपी यूनिवर्सिटी में एक स्केड्यूल है, एक पूरा स्कूल है, लाइक फर्स्ट पीरियड में ये लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड यही फॉलो होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, आज तुम्हारा ये हो रहा है, कल तुम्हारा वो हो रहा है। ऑल्सो लाइक एक चीज और जो एकदम से याद आ गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज फेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लाइक फेस्ट हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, एवरीथिंग। वेयर एज आईपी यूनिवर्सिटी में ये सब यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उतनी ज्यादा नहीं है,
कॉलेज में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलता है, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ सोसाइटीज यू कैन ज्वाइन। एंड मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे थे कि सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो आई वुड से कि आपको अगर अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करनी है ना, तो डू गो फॉर एनी सोसाइटी। लाइक तो जैसे कि अगर आपको डांसिंग पसंद है तो डांसिंग में जाओ, डांसिंग में भी टू बाइफर्केशन है, लाइक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न, ऐसी सिंगिंग है और लाइक बहुत से होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी जो प्रॉपर होगा ना, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट एक उसकी भी होगी अलग से सोसाइटी, वेराज जैसे बीए प्रोग्राम वगैरह का उसका अलग होगा, हिस्ट्री ऑनर्स उनकी, मतलब बहुत सी सोसाइटीज होती है, लाइक 50+ सोसाइटीज होती है हर एक कॉलेज में। तो आप जितनी एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो, आपकी ही पर्सनालिटी ग्रूम होगी, आप ही एक्सट्रोवर्ट बनोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि यू नो बाहर की लाइफ कैसी है, और करनी चाहिए सोसाइटीज ज्वाइन। वेराज आईपी यूनिवर्सिटी में इसका थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। डीयू में पर्सनालिटी ग्रूम के चांसेस बहुत ज्यादा है, लाइक इतने सारे फेस्ट हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, यू कैन ऑर्गेनाइज देम, यू कैन ऑर्गेनाइज योर ओन इवेंट एक बार प्रिंसिपल की परमिशन लेके। तो बहुत सी चीजें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में करते हैं, तभी तो कहते नहीं कि लाइक डीयू में तो काफी ज्यादा फेस्ट होते हैं, पढ़ाई तो आईपी यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाई काफी ज्यादा है आईपी यूनिवर्सिटी में, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी है आईपी यूनिवर्सिटी में। वहीं डीयू में ऐसा एक दिन पहले हो रहा है, अचानक से तुम सोचो 8:30 की क्लास में, ठंड में तुम 7 बजे घर से निकले हो 8:30 की क्लास में, और जैसे तुम गेट पे पहुंचे पता चला मैसेज आ रहा है कि क्लास इज कैंसल्ड। या दैट हैपेंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, मैं टॉपिक से भटकते हुए, बट लेट्स जस्ट कम बैक। तो अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो आईपी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज तो होते ही हैं, बट जो एक मेजर यू नो हाईलाइट है इज इंटीग्रेटेड लॉ। तो ये कराता है आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि डीयू नहीं कराता है। इसमें आपको 5 साल में ही आपको यू नो प्रॉपर एलएलबी एलएलएम जो भी होता होगा वो हो जाता है। तो वहीं अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो आर्ट्स और कॉमर्स के काफी सारे कोर्सेज कराता है, लाइक देयर आर अ लिस्ट जो आप बीए प्रोग्राम में कर सकते हो या फिर बीए ऑनर्स में कर सकते हो, लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकते हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री ये वो ब्ला ब्ला, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर्ट्स के और कॉमर्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वेयर एज साइंस के नहीं है वहां पे ऑप्शंस, बट इधर है। आईपी यूनिवर्सिटी से आप बीसीए कर सकते हो, वेयर एज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा फॉर द सेम कोर्स। चीजें होती है, हम ये नहीं कह सकते कि यू नो लाइक आईपी यूनिवर्सिटी ही अच्छा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी ही अच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स प्लस आपको कैसा एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। लाइक इफ यू आर समबडी हु इज लाइक कि हाँ ठीक है मुझे 8 to 2 क्लासेस चाहिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड एवरीथिंग, बट इफ यू आर समबडी हु इज यू नो चिल कि ठीक है अगर इतना लंबा गैप है तो आई कैन डील विद इट एंड एवरीथिंग, बट अगर आप ऐसे हो कि इतना बड़ा गैप है, टाइम वेस्ट कर दिया ये वो, इतने घंटे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, देन गो फॉर आईपी यूनिवर्सिटी। मतलब लाइक सिर्फ इस वजह से मत जाना आईपी यूनिवर्सिटी में, इट्स जस्ट मी अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टेलिंग यू ऑल कि ऐसा होता है, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको होता है कि 1 घंटे वेट करना है, ओ माई गॉड आई कांट वेट, एंड देन फिर वो नेक्स्ट क्लास भी स्किप कर देते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज। तो ऐसा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, काफी लीनियंसी है, टीचर्स को भी यू नो उतना फर्क नहीं पड़ता है, जो हमने मैनिफेस्टेशंस कर रखी होती है ना कॉलेज के बारे में उतना नहीं होता है, लाइक मैनिफेस्टेशंस कुछ ज्यादा ही है, ये बॉलीवुड की मूवीज ना देख देख के या फिर हॉलीवुड इवन देख देख के हमारे मैनिफेस्टेशंस लेवल एकदम टॉप पे पहुंच जाता है, बट उतना कुछ नहीं है। बट हाँ देखो, जैसा भी आपको मैंने आपको क्लैरिफाई तो कर ही दिया कि आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेजर मेजर क्या डिफरेंसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है आईपी यूनिवर्सिटी का तो इसका थोड़ा कम है, यहाँ आपको एसी मिलेगा, यहाँ आपको एसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं है, यहाँ पे आपको यू नो एक पैटर्न फॉलो करना होगा, लाइक आज ये टाइम टेबल कर वो टाइम टेबल, यहाँ पे आपको उसी सेकंड पता चलेगा कि आपकी क्लास हो रही है या नहीं हो रही है। तो मतलब बहुत सी चीजें हैं, खुद से मेजर करना कि आपको कौन सा बेनिफिशियल है एंड देन गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी। बट हाँ, अगर प्लेसमेंट की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू लाइक आईपी यूनिवर्सिटी फॉर दी यू नो जो काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज है, लाइक बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, मैं अपना ही बताती रहती हूँ, बीए प्रोग्राम, इन सब की जो है ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन कंपैरिजन टू आईपी यूनिवर्सिटी। बट हाँ, आई वोंट सी कि आईपी यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, अच्छा है और उसको हमेशा अपना ऑप्शन रखना चाहिए, सिर्फ डीयू के पीछे मत भागना, आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रखना है। अब मैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ क्योंकि मैंने भी दिया था आईपीयू सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो कि सारे कोर्सेज में कॉमन है। सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपकी बेसिक इंग्लिश जज करी जाती है, लाइक सेंटेंस फॉर्मेशन, अनसीन पैसेजेस, 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं एंड उस पर अपना टाइम ज्यादा नहीं देना है क्योंकि एक बार आप अनसीन पैसेजेस को पढ़ने में चले गए ना तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा, तो एकदम उस पर फोकस नहीं करना है, आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया ये, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, तो डिफरेंट होते हैं वर्ब्स, नाउंस, प्रोनाउंस, बहुत सी चीजें होती है जो आपको फोकस करनी है एंड सिर्फ अनसीन पैसेजेस में मत चले जाना।
ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. लाइक आपको एक लाइन दे देंगे एंड बोलेंगे कि इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. एंड देयर कैन बी मल्टीपल फिगर ऑफ स्पीचेस. एंड देन उसमें लिख देंगे लाइक ऑप्शन ए मेटाफर सिमिली, सेकंड सिमिली पर्सोनिफिकेशन. एंड देन आपको ABCD में से चूज करना होगा. लाइक एक ही लाइन में देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट यू नो फिगर ऑफ स्पीचेस. तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि इंग्लिश में से बेसिकली उतना मुश्किल नहीं आता है. इट्स जस्ट बेसिक इंग्लिश. बट यू हैव टू मतलब मेक श्योर कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो, एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो. लाइक एक एक SES माइन्यूट सी चीजों की भी गलती हो जाती है इंग्लिश में. नेक्स्ट कम्स द लॉजिकल रीजनिंग विच इज वेरी सिंपल. लॉजिकल रीजनिंग इज जस्ट टू चेक योर लॉजिक. तो आपको जैसे कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन के आ जाएंगे, कुछ पैटर्न वाले आ जाएंगे कि अभी बॉल उस साइड को फोकस कर रही है, नेक्स्ट पैटर्न उधर को कर रही है, उधर को कर रही है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा. और लाइक काफी सिंपल सिंपल कोडिंग वाले क्वेश्चन ये सब लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं. नेक्स्ट कम्स द क्वांटिटेटिव एबिलिटी. तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी आई वुड से कि लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें मैथ्स का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है. तो मैथ्स का एलिमेंट जब ज्यादा आता है तो लोग घबरा जाते हैं कि लाइक इसका आंसर क्या होगा. दैट क्वेश्चंस ऑफ पाइप्स टैंक्स वाले नहीं होते, एक पाइप कितनी देर में भर रहा है, एक टैंक कितनी देर में फुल हो जाता है विद दैट एंड दैट इफ देयर इज लीकेज, मतलब जैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा यू नो हमने ऐसे मैथ्स वाला कॉम्प्लीमेंट उसमें आ जाता है. तो इसलिए दैट इज वाई क्वांटिटेटिव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू लॉजिकल रीजनिंग. इतना भी मुश्किल नहीं है. लाइक आपने CUET के टाइम पे भी तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश ये सब करा ही होगा. तो IPU सेट में भी इतना कुछ हाई फाई लेवल नहीं आता है, उसी लेवल का आएगा. तो इफ यू हैव डन दैट प्रिपरेशन इन CUET तो आपको लाइक और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है. बट एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड वहां पे आएगी जैसे कि BBA है तो उसमें लाइक बिजनेस से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. लाइक एक पूरा सेक्शन बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस का होता है विच इज कंपल्सरी टू अटेंड ऑफ कोर्स. ऐसी लाइक कोई स्पेसिफाइड कोर्सेज हो, जैसे कि अगर आपको प्रॉपर BA ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स आएंगे. BSc मैथ्स करना है तो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स आएंगे. दिस इज वेरी बेसिक जो कि आता ही है. ऐसा मत सोचना कि यू नो नॉर्मल जनरल टेस्ट ही आता है उसमें. आपके कोर्स से रिलेटेड जो आपको जिस जो कोर्स करना है उससे रिलेटेड आपको बेसिक इन्फो है 11 12th की या नहीं वो भी जज किया जाता है. तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, उतना मुश्किल नहीं आता. आई वुड से कि BCOM ऑनर्स को ज्यादा मुश्किल आया था इन कंपैरिजन टू BBA. बट देन सरप्राइजिंगली मेरी रैंक BCOM ऑनर्स में ज्यादा अच्छी आई थी एंड BBA में कम आई थी, जबकि मेरा BBA का एग्जाम ज्यादा अच्छा गया था. आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट हाँ जो भी है अच्छा गया था. उतना भी मुश्किल नहीं आएगा. बट कंपैरेटिवली अगर हम CUET के कंपैरिजन में करें तो कुछ लोगों को वो सिमिलर लग सकता है, कुछ लोगों को वो हाई लेवल लग सकता है, क्योंकि CUET आप वही है जो आप 1.5 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो. लाइक कोर्स से रिलेटेड है बट दिस इज आउट ऑफ द कोर्स. लाइक जनरल टेस्ट होता है ना उसमें वैसे टाइप का ही है. तो थोड़ा आपको होनी चाहिए जनरल इन्फॉर्मेशन और हो जाएगा IPU सेट, उतना कुछ मुश्किल नहीं है. ऑल द बेस्ट बाय द वे. अगर हम MBA की बात करें तो लाइक IPU यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कॉलेजेस है जो अच्छा अच्छा MBA कराते हैं. वेयरएज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गिने चुने एक दो कॉलेजेस हैं जो MBA कराते हैं. तो ये वाले फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि कौन सा कोर्स कौन सा यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा कराता है. तो देयर आर सर्टेन कोर्सेज जैसे आई वुड से कि BBA जो है वो IPU यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा कराते हैं, वेयरएज BCOM ऑनर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा कराते हैं. ऑफकोर्स मुझे अपने कोर्सेज से रिलेटेड पता है इन्फॉर्मेशन, आई कांट से कि BA प्रोग्राम कौन सा ज्यादा अच्छा कराता है या नहीं. बट हाँ पूरा सारी चीजें देखना, कैंपस लाइफ, दैट टाइमिंग एंड कौन सा आपके घर के पास है, लोकेशन भी तो मैटर करती है ना. आपके घर के पास अगर IPU यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है तो गो फॉर दैट रादर देन गोइंग और ट्रैवलिंग 4 आवर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जाने के लिए. मतलब दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इन सारे पॉइंटर्स को एक बार लिखो, देखो कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना. और जब आपके पास CUET के स्कोर आ जाएंगे ना IPU सेट का आ जाएगा तो आप काउंसलिंग के तो पैसे भर देना. ऑफकोर्स काउंसलिंग भरने के बाद यू कैन गेट एन आइडिया कि आपको IPU यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वेरएज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज भरना है. तो काउंसलिंग के पैसे भरने हैं सो दैट आप आगे की प्रेफरेंस फिलिंग कर सको. इस पॉइंट को मत भूलना. कई लोग सोचते हैं लाइक काउंसलिंग कैसे करें, हमारे अभी मार्क्स नहीं आए. आपको काउंसलिंग पहले भरनी पड़ेगी ताकि दे नो कि हाँ आप यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और IPU यूनिवर्सिटी. तो बाकी और कुछ नहीं बोलना मुझे आज सच.